स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी। एक नजर डालेंगे उत्तराखंड की खबरों पर। चौबट्टा खाल विधानसभा के अंतर्गत डबरा मजगांव की एक 55 वर्षीय महिला गोदाम्बरी देवी की दोपहर गुलदार से घात लगाकर गुलदार ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि महिला उस वक्त घर के पास ही खेत में काम कर रही थी कि तभी गुलदार ने उस पर अचानक आकर हमला बोल दिया और उसे जान से मार डाला। ग्रामीणों ने शव को कब्जे में लेकर सरकार से मुआवजा और मृतक के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया। उनका कहना है कि गुलदार को तत्काल निर्भक्षी घोषित कर देना चाहिए जिससे उसकी जान की सुरक्षा हो सके। लोगों की इस इलाके में पूर्व में भी कई लोगों की गुलदार ने जान ले ली है। एक महिला को जिनका नाम गोदाम्बरी देवी, एज उनकी 55 इयर्स है, को एक गुलदार द्वारा मार दिया गया है। उसके तुरंत बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है, जिसके बाद रेंज अधिकारी द्वारा या मेरे द्वारा ऊपर DFO सर को यहाँ पे पिंजरा लगाने तथा गुलदार को मारने के आदेश के लिए आगे अग्रिम कार्यवाही करने की उनसे डिमांड की गई है। और अभी 4:30 बजे गुलदार को शूट करने के लिए या ट्रैंकुलाइज करने के लिए ऑर्डर आ गए हैं। और पौड़ी से जॉय हुकिल सर जो शिकारी हैं वो भी मौके से निकल चुके हैं और घटनास्थल पर पहुंचने वाले हैं। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली स्थित फायर ब्रिगेड के स्टेशन का आज DIG ने निरीक्षण किया और साथ ही उन्होंने हरिद्वार जिले के सभी फायर स्टेशन प्रभारियों के साथ एक बैठक भी की। इसके साथ ही आने वाले मॉनसून को लेकर फायर स्टेशन की कैसी तैयारियां हैं इस बात की भी समीक्षा की गई। फायर स्टेशन का आज मैंने निरीक्षण किया है और इसके साथ जनपद हरिद्वार के जितने भी फायर स्टेशन है और फायर यूनिट है सबके प्रभारियों की यहाँ पर मैंने गोष्ठी ली है। इस इंस्पेक्शन और गोष्ठी का उद्देश्य यही है कि जो फायर सीजन है उसमें क्या हम लोगों ने अभी तक किया है और क्या अभी काम किया जाना शेष है। और इसके अलावा मॉनसून सीजन भी अब आने वाला है, तो मॉनसून सीजन में जो आपदा की स्थिति है उससे निपटने के लिए फायर स्टेशन कहाँ तक तैयार है उसकी हम लोगों ने समीक्षा की है। और समीक्षा में मैंने पाया कि हमारे यहाँ जो है वो नफरी और मैन पावर और इसके साथ साथ उपकरणों की संख्या जो है ना वो ठीक है और इस बार हम लोग पूरा आपदा को अच्छे तरीके से निपटने की स्थिति में हैं। कोरोना से जान गंवाने वाले लावारिस मृतकों की अस्थियों लेकर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार की हरकी पौड़ी पर पूरे विधि विधान के साथ 500 अस्थियां कलश का विसर्जन किया गया। बता दें किस ब्राह्मणों द्वारा किए गए मंत्रोच्चारण के बीच मृतकों के लिए मोक्ष की कामना की गई और साथ ही सभी अस्थि कलश दिल्ली के कई शमशान घाट से लाए गए थे। सभी मृतकों की लावारिस होने की वजह से इनकी अस्थियां गंगा में विसर्जित नहीं हो पाई थी, इसीलिए यूथ कांग्रेस ने इसका बीड़ा उठाते हुए आज हर की पौड़ी पर अस्थियों विसर्जन कार्यक्रम किया। जब कोरोना का लॉकडाउन हुआ, पहला लॉकडाउन जब हुआ, तो उसके बाद से ही दूसरे लॉकडाउन के अंदर, सेकंड वेव के अंदर, दिल्ली के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके परिवार के अंदर कोई नहीं बचा था, कि मतलब छोटे छोटे बच्चे और बेसहारा हो गए थे और ऐसे लोगों का हमने दाह संस्कार किया और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके परिवार से कोई दाह संस्कार करने नहीं आया और बहुत सारे ऐसे बेसहारा और बेघर लोग भी थे जो होमलेस थे और जिनका इस दुनिया के अंदर कोई नहीं था। लालकुआ में कोरोना काल में लगातार पेट्रोलियम और खाद्य पदार्थों के दामों में इजाफा हो रहा है। स्थिति ये हो गई है कि अब पेट्रोल डीजल के दाम आसमान को छू रहे हैं। वहीं डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आज कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही कई विभागों के अध्यक्ष और मंत्री भी वहां पर मौजूद रहे। लालकुआ में कोरोना काल में लगातार पेट्रोलियम और खाद्य पदार्थों के दामों में इजाफा हो रहा है। स्थिति ये हो गई है कि अब पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। वहीं डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आज गोपाल नगर ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष नीरज रेखवाल और कांग्रेस SSC विभाग के जिलाध्यक्ष समेत कई दर्जन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, साथ ही केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। देखिए आज हमारे प्रदेश वाहन पर, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वाहन पर पूरे प्रदेश में और पूरे देश में भी हो रहा है। आज बढ़ती महंगाई को लेकर के, जो डीजल और पेट्रोल के दाम को लेकर के, हम लोगों ने हर
पेट्रोल पंप में सब एकजुटता के साथ सब कांग्रेसियों मिल करके विरोध प्रदर्शन करा, इस सरकार को जताने का प्रयास करा कि डीजल और पेट्रोल का दाम कम हो। एक तो ऐसी कोरोना काल में आदमी वैसी परेशान है और घर चलाना मुश्किल है और खेती बाड़ी का टाइम आ गया है, खेती बाड़ी में ज़्यादा डीजल का काम होता है, इधर उधर जाना पड़ता है, तो ये लोगों को हम लोग सब इकट्ठा होकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। खबर लक्सर से है जहां क्षेत्र में कच्ची शराब का काला कारोबार अपनी लगातार चरम सीमा पर है। ना जाने अब तक इस मीठे जहर के पीने से कितने लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। उच्च अधिकारियों द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में खानपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल मुखबिर की सूचना के आधार पर खानपुर पुलिस ने डुबनपुरी गाँव के पास छापा मार कर कच्ची शराब बना रहे 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मौके पर हजारों लीटर लहन को भी नष्ट किया, साथ ही 25 लीटर कच्ची शराब सहित शराब बनाने के उपकरणों को भी जब्त किया है। पुलिस ने तीनों लोगों के खिलाफ शराब अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर तीनों लोगों को जेल भेज दिया है। कुछ अधिकारी गणों के उससे नशे के विरुद्ध हमारा लगातार ये अभियान चल रहा है, जिसके अंतर्गत 3 लोग हैं, रणजीत, कपिल और वीर सिंह हैं, ये डुमनपुरी के रहने वाले थे। पाशापुर के पास इन्हें भट्टी से, दारू की भट्टी इनके पास से पकड़ी गई है। दारू की भट्टी चला रहे थे, कच्ची शराब बना रहे थे और करीबन 25 लीटर इनके पास से शराब भी बरामद हुई है। लगातार उच्च अधिकारी गणों के आदेश से ये अभियान चलाया जा रहा है और नशे के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है और भविष्य में भी करी जाएगी। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।